अस्माकं मंत्रोच्चारपूर्वकं जयन्तस्य समापन सत्रस्य वयं प्रारम्भं कुर्मः। मंत्रोच्चारणार्थं ऋषिकुमारं आह्वयामि। किशन जोशी। हरि ओम अग्निर्ज्योतिर्जोतिरग्निः शत्रुबुद्धि मित्रबुद्धि वर्धनाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। हरिः ओम समापन सत्रे वयं सम्मिलिताः इदमस्ति अस्माकं सर्वेषां परमं सौभाग्यम्। अत्र अवसरे महानुभावानां करकमलाभ्याम् अस्माभिः दीपप्रज्वालनपूर्वकं मन्त्रोच्चारपूर्वकम् एतस्य सत्रस्य शुभारम्भः विहितः। इदानीम् उपक्रमः वर्तते कुलगीतं श्रोतुम्। अतः सर्वेपि सदसि विराजमानाः निवेद्यन्ते कृपया प्रार्थना उत्थाय वयं कुलगीतं श्रोष्यामः। विश्वविद्यालयस्य कुलगीतं यथा Yeah।
कर्तुं एवं एतस्याः कार्यशालायाः वृत्तकथनस्य अवसरः तदर्थमहम् एतस्याः कार्यशालायाः या संयोजिका वर्तते तां डाक्टर् आशा माडक् महोदयां प्रार्थये शाब्दिकं स्वागतं कर्तुं वृत्तकथनाय च। नीति प्रवीण निगमागम शास्त्र गुरु हे राजाधिराज रघुनायक मंत्री वर्य सिंदूर चर्चित कलेवर नैष्ठिकेन्द्र श्री राम दूत हनुमत हर संकट में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। सभायै सभापतिभ्यश्च श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य यशः पताकायां नूतनोपलब्धि संयोजन विशिष्ट अवसरे सप्रमाणं कीर्तिलेखनाय विश्वविद्यालयस्य परिवारः सोत्साहं सानन्दं सौहार्दं च समवेतो विराजते। श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा काले काले तत् विभागेषु विषयांतर्गत मुख्य विषयं क्वचित् स्वीकृत्य अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय कार्यशालायाः परिसंवादाश्च आयोज्यन्ते। तत्क्रमे एवास्मि सप्ताहे पुराण विभाग द्वारा केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य संस्कृत संवर्धन योजना अंतर्गततया प्राप्त धन सहायेन पुराण अवलोके क्षय वर्षयोः भूमिका इति विषयम् अवलम्ब्य मुख डेवलपमेंट प्रशिक्षण रूपेण त्रिदिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजिता। कार्यशाला इयं त्रिदिनात्मिका सञ्जाता। ईदृशं महत् उपक्रमे समापन सत्रे वयं सर्वे उपस्थिताः स्मः। अस्य समापन सत्रस्य अध्यक्षपदम् अलंकुर्वाणः अस्य विश्वविद्यालयस्य अतीव संप्राप्ताः महत् सद्भाग्येन संप्राप्ताः कुलपतिवर्याः वेदादिशास्त्रेषु निपुणाः माननीयाः पूज्याः अस्य विश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्याः डाक्टर् सुकान्तकुमारसेनापतिमहोदयाः तेभ्यः अनुस्नातकविभागपक्षतः पुराणविभागपक्षतः तथा च विश्वविद्यालयपक्षतश्च हार्दं हार्दं स्वागतं व्याहरति। सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य आमन्त्रणम् अंगीकृत्य स्वामूल्य समयं विश्वविद्यालय प्रदातुं विशिष्ट वक्तृरूपेण संप्राप्तः प्रशिक्षकरूपेण संप्राप्तः उत्तरप्रदेशतः IIT उत्तीर्णः अस्याः कार्यशालायाः मुख डेवलपमेंट प्रशिक्षणाय समागताः एतेभ्यः महोदयेभ्यः विश्वविद्यालयपक्षतः पुराणविभागपक्षतश्च वाक्कुसुमैः स्वागतं व्याहरामि। योजनायां कार्यसंपादने च दक्षः विश्वविद्यालयस्य कुलसचिववर्यः डॉक्टर दशरथ जाधव महोदयः तेभ्यः वाक्कुसुमैः स्वागतं करोमि। संप्राप्ताः साहित्यशास्त्रे गुरिपरिश्रमः उत्साहिनः अनुस्नातकविभागाध्यक्षः अतीव पदं समलङ्करोति अस्याः कार्यशालायाः मार्गदर्शनं सततं कुर्वन्ति तेभ्यः अमीभ्यः महोदयेभ्यः अपि विश्वविद्यालयपक्षतः पुराणविभागपक्षतश्च हार्दं स्वागतं वचन्ति। साहित्यसङ्कायाध्यक्षः श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालये सञ्चालित महाविद्यालयस्य प्राचार्यमहोदयः डॉक्टर नरेंद्र कुमार पंड्या महोदयः तेभ्यः अपि वाक्पुष्पैः स्वागतं करोमि। तथा च अस्माकं पुराण विभाग वर्तते तेषु समेतेः सदस्याः उपस्थिताः मान्याः डॉक्टर अमृतलाल भोगैका महोदयः तेभ्यः अहं वाक्पुष्पैः स्वागतं। अस्मिन्नेव पुराणविभागसमितेः सदस्याः मान्याः डॉक्टर शैलेश्वरि जोशी महोदयः तेभ्यः अपि अहं स्वागतम्। कार्यशालायाम् अस्यां प्रशिक्षकत्वेन सम्प्राप्तः पञ्च महारथाः आसन्।
तेषु अधुना त्रयः अस्माभिः मध्ये न सन्ति, तेषु डॉक्टर राजेन्द्र चोटलिया महाभागः, डॉक्टर राजेन्द्र महोदयः तत्र वडोदरा नगरतः आगतः झाड़ेजा महोदयः, तथा च जानकीशरण डॉक्टर जानकीशरण आचार्य महोदयः सन्दर्भे अस्मि अहं स्वागति करोमि एवं च स्मरणं कृत्वा स्वागतम् अभिवादनं च करोमि। कार्यशालायाम् अस्माकं विश्वविद्यालयपक्षतः अपि प्रशिक्षणरूपेण उपस्थिताः पौराणिकः डॉक्टर पंकजकुमार रावल महोदयः, एते सर्वेषाम् अपि अहं मत्पक्षतः पुराणविभागपक्षतश्च स्वागतं व्याहरामि। आभासीयमाध्यमेन केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयतः प्रतिनिधिरूपेण उपस्थितायाः डॉक्टर सुनीता महोदयाभ्योऽपि सादरं स्वागतं व्याहरामि। अस्मिन् कार्यशालायां बुक् डेवलप्मेण्ट् विषयतः प्रशिक्षणं स्वीकर्तुम् उपस्थिताः अध्यापकाः शोधछात्राः तेभ्यः स्वागतम् अभिवादनं च करोमि। तद्विभागाध्यक्षेभ्यः आचार्येभ्यः सहाचार्येभ्यः सहायकाचार्येभ्यः शोधछात्रेभ्यः छात्रेभ्यः छात्राभ्यश्च एकतन्त्रेण स्वागतं करोमि। अस्याः कार्यशालायाः कार्यक्रमस्य अस्य प्रत्यक्षेण परोक्षेण च येन साहाय्यं कृतं तेभ्यः सर्वेभ्यः विश्वविद्यालयपक्षतः मत्पक्षश्च स्वागतकुसुमानि समर्पयन्ते। एवं च ग्रन्थालये ये अध्यक्षरूपेण कार्यं वहन् करोति तादृशः मान्यः डाक्टर् कार्यमहोदयः तेभ्यः अपि अहं स्वागतं करोमि। अस्यां कार्यशालायाम् अध्यापकाः शोधछात्राः च एनईपी 2020 अन्तर्गतं निर्दिष्टम् अभ्यासक्रमं निर्माणाय प्रशिक्षणाय भागं गृहीतवन्तः, आहत्य द्विचत्वारिंशत् छात्राः आसन्। अस्यां कार्यशालायां त्रिदिवसेषु चतुर्दश प्रायोगिकव्याख्यानानि अभवत्। प्रतिदिनं विविधेभ्यः नूतनतकनीकीमाध्यमेन AI टूल्स् केमिस्ट्रिया अडोब् चेत्यादिभिः मुखपाठ्यक्रमनिर्माणं पठितवन्तः। प्रायोगिककार्यार्थं ह्यः रात्रौ एकवादनपर्यन्तं वीडियो निर्माणं कृतवन्तः, अतः ज्ञातुं शक्नुमः एषा कार्यशाला सफला जाता। अष्टादशपुराणानां परिचयः तेषां प्रतिपाद्यविषयश्च इति विषयं स्वीकृत्य क्रेडिटद्वयम् इति पाठ्यक्रमस्य निर्माणं वयं करिष्यामः इति अधुना अहं वचामि। अस्तु, इति मम स्वागतपरिचयं, तथा च सर्वेषाम् एकतन्त्रेण अहं पुनः पुनः स्वागतं करोमि, अभिवादनं च करोमि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, नमः। धन्यवादः, सर्वेषां स्वागतं कृतं, तदर्थं भगिन्यै धन्यवादाः। इदानीम् अवसरोऽस्ति पुष्पगुच्छेन ग्रन्थपुष्पेण तथा च रात्रेण महानुभावानां स्वागतं कर्तुम् अयम् उपक्रमः वर्तते। क्रमेऽस्मिन् सर्वादौ माननीयानां सुकान्तकुमार सेनापतिमहोदयानां कुलपतिवर्याणां पुष्पगुच्छेन ग्रन्थपुष्पेण एवं च नाटकेन स्वागताय प्रार्थ्यन्ते प्रोफेसर् ललितकुमारशील महोदयाः, यत् अस्माभिः अद्य बुधवासरे बुधपुरुषाः सम्प्राप्ताः सन्ति, इदमस्ति अस्माकं सौभाग्यम्। अतः तेषां पुष्पगुच्छेन ग्रन्थपुष्पेण च स्वागतं कर्तुं डाक्टर् किरण् डामर् महोदयः निवेद्यन्ते। आदरणीयानां श्री डाक्टर् दशरथ जाधव महोदयानां ग्रन्थपुष्पेण पुष्पगुच्छेन च ते स्वागतं डाक्टर् आशा माडक् महोदया प्रार्थ्यते, सा ग्रन्थपुष्पेण पुष्पगुच्छेन च ललित महोदयानां स्वागतं कुर्वन्ति।
त्रिदिवसात्मक शिक्षण अस्माभिः यस्मात् संप्राप्तम् तादृशाः डॉक्टर रक्षक जैन महोदया प्रविराजमानाः सन्ति तेषां स्वागतं कर्तुम् आगच्छन्ति श्री शैलेश भाई जोशी महोदया पुष्पगुच्छेन ग्रन्थपुष्पेण च तेषां स्वागतम् डॉक्टर नरेंद्र कुमार पंड्या महोदयानां पूज्यानां गुरुचरणानां स्वागतं करिष्यन्ति पुष्पगुच्छेन ग्रन्थपुष्पेण च डॉक्टर पंकज कुमार रावल महोदया डॉक्टर आशा माडक महोदयायाः स्वागतं करिष्यति डॉक्टर कुंजल त्रिवेदी महोदया पुष्पगुच्छेन ग्रन्थपुष्पेण च एतस्याः कार्यशालायाः संयोजिका वर्तते आशा भगिनी एवं विभागे आदरणीयानां डॉक्टर अमृता महोदयानां पुष्पगुच्छेन ग्रन्थपुष्पेण च स्वागतं कर्तुम् अहं प्रार्थये डॉक्टर विपुल जाधव महोदय पूर्वांग पत्र श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय पुराण विभागे विभागाध्यक्ष रूपेण तथा च विराजमानाः सन्ति पुनश्च अत्र साहित्य विषये या कार्यशाला चलति तस्यां कार्यशालायां समागताः सन्ति तेषामपि अस्माभिः स्वागतं क्रियते यैः स्वागतं कृतं यैः स्वीकृतं तेषां सर्वेषां धन्यवादः इदानीं अवसरोऽस्ति प्रतिभावकथनस्य प्रतिभावकथनं कर्तुं सर्वादौ आगच्छन्ति डाक्टर् शैलेश भाई जोशी महोदयाः अम्बाजी संस्कृतमहाविद्यालयस्य प्राध्यापकाः सन्ति ते अत्र आगत्य किम् अधीतं किं च ज्ञातं तत् प्रतिभावरूपेण ते वक्ष्यन्ति श्री शैलेश भाई जोशी महोदय प्रवेश्य मम वा च विमां प्रसुप्तां सञ्जीवय तिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवण टेक्नोलॉजी मध्ये ईदृशं ज्ञानं न वर्तते तथापि यद्यत् तेभ्यः यत् मार्गदर्शनं कृतं ते वर्तमानसमये टेक्नोलॉजी इत्यस्य या आवश्यकता वर्तते यदि संस्कृतभाषायाः अस्माभिः किमपि यदि वैश्विक स्तरे तस्याः भाषायाः स्थानं भवेत् तदर्थम् अस्माभिः यदि प्रयत्नः कर्तव्यश्चेत् तदर्थम् अस्माभिः टेक्नोलोजी माध्यमेन इदं कार्यम् अवश्यमेव कर्तव्यं भवति तत्पश्चात् अग्रे श्री जाडेजा महाभागानां वक्तव्यमासीत् तैः महाभागैः स्वयं इति वर्तते स्वयम् इति लक्षीकृत्य तैः महाभागैः उक्तं तेषां सर्वेषाम् अभिवक्तानां कथनम् एकमेव आसीत् यदि संस्कृतभाषायाः विकासः चेत् करणीयः तु विश्वस्तरे संस्कृतभाषायाः प्रचारः प्रसारः भवेत् तदर्थं यदि किमपि करणीयं भवेत् तु वर्तमानसमयं लक्षीकृत्य टेक्नोलोजि माध्यमेन यदि शिक्षणं सर्वेभ्यो दातुं वयं येन केनापि प्रकारेण शक्नुमश्चेत् सर्वे ये जिज्ञासवः सन्ति तेभ्यो संस्कृतभाषायाः ज्ञानं भविष्यति अग्रे तत्पश्चात् विशेषतस्तु अस्माभिः रक्षकजैन महोदयानां लाभः सङ्गृहीतः तु अद्यावधि
द्विदिवसात्मक मध्ये पंकजभाई महाभागानां प्रवचनम् आसीत् व्याख्यातारूपेण शैव वैष्णवयोः भूमिका विषये संस्कृतभाषायाम् उक्तम्। अपि तु अयं विषयः विज्ञान टेक्नोलॉजी यत् अभ्यासक्रमः अस्माभिः निर्मापितव्यः, तम् अभ्यासक्रमं लक्ष्यीकृत्य इयं कार्यशाला मुख्यत्वरूपेण आसीत्। अस्माभिः नूतन अभ्यासक्रमः यदि स्वयं माध्यमेन ये छात्राः वर्तन्ते बहिस्थाः, ये छात्राः वर्तन्ते विदेशमध्ये, ये छात्राः सन्ति तेभ्योपि यदि संस्कृतभाषायाः ज्ञानं येन केनापि प्रकारेण भवेत् तदर्थम् अयं प्रयत्नः वर्तते। तेषु रक्षकजैनमहाभागानां मार्गदर्शनम् अत्यन्तम् आवश्यकं वा अत्यन्तं सुन्दरम् आसीत्। मया टेक्नोलॉजी मैंने तो कहा था उससे बातचीत की थी रक्षित भाई से कि ये टेक्नोलॉजी देखो हमारा विषय नहीं है, हम जो पढ़ते हैं तो फिर टेक्नोलॉजी अब के जो जनरेशन है वो टेक्नोलॉजी को तुरंत एक्सेप्ट करती है और हम टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए हम संस्कृतानुरागी तो है, हम रूढ़िवादी तो है, हमारे में रूढ़ी तो होती है, हमारे में परंपराएं होती है, तो उस परंपरा को उस रूढ़ी को भी हम साथ में रख कर कर यदि टेक्नोलॉजी का हम ज़्यादा से ज़्यादा यदि उपयोग हम करेंगे तो मुझे लगता है कि सारा विश्व इस भाषा को वैश्विक रूप से स्वीकृत करेगा। यदि इसमें हम यदि पीछे भी रह जाएंगे ना तो संस्कृत में जो जो भी पढ़ा है तो वो हम सब तक पहुँचा नहीं पाएंगे। और एक ही यही माध्यम है टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी को जब तक हम स्वीकृत नहीं करेंगे मन से तो मतलब आगे हम बढ़ नहीं कर सकते। तो फिर ललित भाई पटेल महोदय ने भी कहा था कि यदि हमें जो ये हमारा जो ए प्लस मिला है तो उसमें भी यदि बढ़ोतरी करनी है, ए प्लस करना है उसको, तो इसमें भी हमें मतलब वैश्विक रूप से हमारा प्रचार प्रसार तभी हो पाएगा जब हम टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करें। तो मेरा यह कहना है कि फिर यह रक्षक भाई जैन महोदय से मैंने बहुत कुछ लिया है, क्योंकि उसने AI की भी बात बताई थी तो जो वो मेरे ज्ञान में नहीं थी। जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा था वर्ग में तो फिर बच्चे ये टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे तो बोले गुरु जी आपको पता है, मैंने कहा क्या, तो बोले आज AI बहुत चल रहा है, मैंने कहा AI क्या है, तो फिर रक्षक भाई ने वो कहा था मेटा के बारे में थोड़ा सा वो बोले थे, मतलब मेटा मतलब क्या, तो बोले डेटा से डेटा बात करता है, डेटा से डेटा बात करता है, ये मतलब अपना जो मगज है वो उसको यहाँ से निकाल करके सामने रख देना और रिमोट से उसको कंट्रोल में करना है, तो यही मेटा डेटा वाली बात हो गई। तो जब ये बात को हम जब तक इसको स्वीकृत नहीं करेंगे और जब तक इनका विरोध करते रहेंगे तो ये बात हमारे में आएगी नहीं, इसलिए हमें इनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्ट हो तो उस दिशा में भी हमें वो करना चाहिए। इसलिए उनसे भी हमने ये मार्गदर्शन लिया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग भी करें। और फिर पंकज भाई महोदय ने बोले उनका जो संस्कृत है अब इतना पावरफुल है, मैं अभी बात कर रहा था पंकज भाई से तो जब बोलते हैं ना तो एक एक बात को लेकर के मतलब एक वाक्य में तो उसमें सारा वेद आ जाते हैं, पुराण आ जाते हैं, धर्मशास्त्र आ जाते हैं, पूरे एक वाक्य में जो 10 शब्द होते हैं ना तो दस शब्द होते हैं तो सब अलग अलग तरह से इंगित होते हैं। तो यदि ध्यान से हम इनका यदि एक भी वाक्य, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनके पीछे इनकी मेहनत है। तो शोधार्थियों को मैं खास ये सूचित करना चाहता हूँ कि देखो मतलब हम जितना भी कठोर परिश्रम करने के लिए यदि हम तैयार हैं, बस हमें एक ही करना है, कुछ भी हो सही दिशा में हमारा मतलब ये जो प्रयत्न है जितना भी हम करते रहेंगे, जितना भी आज यहाँ ये पंड्या जी भी बैठे हैं और अमृतलाल भोगाई ताजा भी बैठे हैं, तो ये यहाँ तक जब पहुँचे हैं तो ये इनकी जो मेहनत होती है, आज वो अभी तो उनके लिए सरल हो गई बात, लेकिन जब वो विद्यार्थी काल में थे तो उनका जो मेहनत करने का जो तरीका था वो हर दिन हर समय, यदि मैं अभी कहूँ कि मैं इनके तरह अभी वो कर सकता हूँ तो वो अभी वहाँ मुमकिन नहीं है, लेकिन आपके लिए तो वो सहज है और सरल है। तो मैं विशेष नहीं कहता हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जितनी भी आप मेहनत करने के लिए ही आप सज्ज हो, 24 घंटे यदि आप प्रयत्न करोगे तो फिर उनके फल मिलना ही है।
तो इनका भी हमने मार्गदर्शन लिया और मेटा डेटा वाली भी हमने बात कही। पंकज भाई ने शिव और वैष्णव शैव वैष्णव यो भूमिका विषय ये उत्तम संस्कृत भाषा। तो पंकज भाई महोदय ही उत्तम यत् शैव वैष्णव यो भूमिका विषय किंचित उत्तम। तो शैव वैष्णव यो यदि पुराणानि सन्ति तेषु पुराणेषु शैव वैष्णव यो यद् वाद विवाद वर्तते तद् सम्यक्तया यदि पुराणानां अध्ययनं क्रियते चेत् उभयोर् मध्ये अभेदत्वं प्रस्थापितं वर्तते तद् अस्माभिः दर्शितव्यं छात्रेभ्यः। इति अहम् अद्य एतत् सर्वेभ्यो उक्त्वा अहं मम या वाणी वर्तते अहम् अस्तु जय सुन्दर जय सुन्दर। धन्यवाद महोदय से इधानी महोत्सव पुनः प्रतिभाव कथनाय श्री चिराग पुरोहित महोदय तत्रागत्य प्रतिभाव कथन करिष्यामि। श्री चिराग पुरोहित महोदय समय मर्यादायां वयं भविष्यामः। सर्वे वरिष्ठजनानां एवं मध्यस्थजनानां एवं गुरुवर्याणां नमस्करोमि। अद्य त्रिदिवसकार्यशालायां मम प्रस्तुतीकरणीयं ते महोदयानां किं पाठनीयं किन्तु तस्य साहाय्येन मल्टिमीडिया माध्यमेन संस्कृतेन किमपि कार्यं भवति चेत् अहं प्रस्तुतं करोमि। कथमस्ति चित्रमाध्यमेन खलु चित्र एव अस्ति तस्य द्रवः माध्यमेन तस्य चित्र एव अस्ति। प्रस्तावना व्यास से संबंधित 18 पुराणों का संस्कृत साहित्य में एक विशेष स्थान है। पुराण की विषय की विशेषता पुराण पंच लक्षणम है यानी पांच पुराने लक्षण है। सर्ग सृष्टि की उत्पत्ति का एक संस्करण, प्रतिसर्ग सृष्टि की प्रलय का विवरण, वंश सूर्य वंश और चंद्र वंश के राजाओं की एक सूची, स्वयंभुवस्य मनोवंशे स्वयं के मनोवंशे अंग नामकः राजा अभवत् सह दयालुः धर्मनिरतः च आसीत् तस्य वेण नामकः पुत्रः संभवत् सह क्रूर अधर्मनिरतः च आसीत् तेन यज्ञ दानादीनि सत्कर्माणि निषिद्धानि दुर्जनाः सत्कारिताः सज्जनाः च दुष्कारिताः फलतः चौरादीनां प्रवृत्तिः सर्वत्र प्रवर्तिता सज्जनानां धनं धान्यं च दुर्जनैः परिहृतं यज्ञ कर्माभावे दुर्भिक्षः। अस्य मुख्य विषयः एवम् अस्ति कि अधुना सर्वे अस्ति टेक्नोलजि माध्यमेन वक्तव्यम् अस्ति तस्य कापि कृत्वा डिडि एव एप्लिकेशन् माध्यमेन एवम् अनन्तरं द्वितीयमाध्यमेन तत्र प्रक्षेपणम् एवं वीडियो निर्माणं करिष्यति। नमो अधुना इदानीं श्रीनन्दन पण्ड्या महोदयः प्रतिभावकथनाय आगच्छति। शङ्कया भक्षितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं सा शङ्का भक्षिता येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अधिकः समयः न समयस्य व्ययः न कृत्वा यद् मया निर्मितं तदेव साक्षात् द्रक्ष्यामि। श्रीमद् भागवत पुराण में ध्रुव चरित्रम प्रस्तावना। हमारी भारतीय परंपरा में 18 पुराण महर्षि वेद व्यास जी ने रचे हैं। उन पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण है जिसमें ज्ञान भक्ति कर्म का समन्वय सन्निहित है। इस महापुराण में अनेक आख्यान उपाख्यानों का संगम है। श्रीमद् भागवत की विशेषता ये है कि इस पुराण में भगवान के चरित्र तो है, उसके साथ भगवान के भक्तों का चरित्र भी दिया गया है। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध में ध्रुव चरित्र अत्यंत प्रसिद्ध है। कथा पूर्व काल में अपनी माँ के पास पहुँचा, तब उसकी माता ने उसे कहा कि अलग की प्रशंसा की और उसे गुरु मंत्र के रूप में भगवान का द्वादश अक्षर मंत्र प्रदान किया। AUM नमो भगवते
वासुदेव आये उस मंत्र को धारण करके ध्रुव अनेक वर्ष नमः। तदनंतरम ईश्वर तेन प्रसन्न भूत्वा उक्तवान कथय तु किम इच्छसि। तदा ध्रुव अवदत् यत् अहम किमपि न इच्छामि यतो हि यः ईश्वरं साक्षात् दृष्टवान् सः अन्यत्र किम् इच्छति। एतत् श्रुत्वा एव ईश्वर तस्मै 1000 दिव्य वर्षाणाम् आयुः प्रदत्तवान् तथा च शरीरस्य शान्ति पश्चात् एतादृशं स्थावरं दिव्यं स्थानं यत् ग्रह नक्षत्राणि अपि परितः परिभ्रमन्ति यत् अद्य वयं ध्रुवतारकं द्रष्टुं शक्नुमः। यदा उत्तानपदः स्वपुत्रस्य तपस्य च विषये ज्ञातवान् तदा स धावित्वा पुत्रम् आलिङ्गितवान् एवं स उज्ज्वलः बालकः अद्यत्वे अपि तस्य तीं यहाँ पर मतलब ये जो वीडियो है पूरा का पूरा AI के द्वारा निर्मित था ना, यहाँ पर कोई बोल रहा था और मतलब जो पीछे वीडियो भी चल रहे थे वो एकदम कंप्यूटर द्वारा निर्मित थे। अस्तु धन्यवाद। धन्यवाद। इदानीं प्रतिभावकनाय आगच्छति डॉक्टर कुंजल भगिनी। ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावसन्तं भक्ति प्रदानाय कृतावतारं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। जय सोमनाथ। नमः शभाय शभापतिश्च। अस्माकं गुर्जरभूमिरत्नं समानं प्रवासतीर्थकरं पवित्रम् इष्टदेव सोमनाथ महादेवस्य सन्निधौ प्राप्नुवन्तः एतद्धराजमान अस्माकं श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय एवं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली इत्यनयोः संयुक्तोपक्रमे पुराण विभाग त्रिदिवसीयाः पुराणलोके शैव वैष्णवयोः भूमिका इति विषये एका कार्यशाला आयोजिता। अस्याः कार्यशालायाः कृते आर्थिकमनुदानं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये प्रदत्तम् अस्ति। अद्य एतस्मिन् समापन सत्रे उपस्थितानां अस्मिन् श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवः महोदय कुलपति महोदय एवं मञ्चस्थ उपस्थित सर्वेषां महानुभावेभ्यः अहं वाक्पुष्टे स्वागतं प्रणमामि। अहं त्रिदिवसीयाः कार्यशालायाः वृत्तान्तं प्रस्तौमि। यह मैं हिंदी माध्यम में प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहूंगी। हमारे मुख्य सूत्रधार श्री डॉक्टर रक्षक जैन महोदय जो संस्कृत के इतने प्रभावित हुए हैं फिर भी वो हिंदी माध्यम में वो हमारे इस वृत्तांत को पा सके इसके लिए मैं हिंदी में प्रस्तुत करूंगी। यह हमारी पुराण की कार्यशाला 21/8/2023 को 3 दिन के लिए उद्घाटित हुई। ये 3 दिनों के 15 सत्र रहे जिसमें प्रथम सत्र के प्रथम दिन के 5 सत्र रहे। पहले वक्ता के रूप में श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जानकी शरण महोदय जी ने प्रथम सत्र में व्याख्याता के रूप में प्रस्तुत किया जिसका विषय था इंट्रोडक्शन ऑफ मोक्स एंड मूक्स एंड एनईपी 2020। इस विषय के आधार पर जानकी जी ने मूलतः दर्शन शास्त्र के पुराणोक्त आधार को साथ में आधुनिक टेक्निक माध्यम से ध्यान में रखते हुए हमारे सामने प्रस्तुत किया। मैं यहाँ पर मुख्य बिंदु को लिख के आपके सामने वृत्तांत पढ़ रही हूँ जो संक्षिप्त समय में प्रस्तुत करूँगी। बिंदु के विमर्श यहाँ पे उसने मुख को कैसे बनाया जा सकता है इस दर्शन के व्याख्यान में वो एनईपी में हमने जो प्राप्त किया वो कैसे हम कर सकते हैं, हमारा स्ट्रक्चर क्या है, पुराण के विषय में कौन से विषय हम कर सकते हैं वो हमने प्राप्त किया। उसके बाद का जो सत्र था वो राजेंद्र सिंह जी का था जिस सत्र में उसने मोक के प्रमुख बिंदु को ई डेवलपमेंट के माध्यम से समझाया जिसने ऑडियो लेक्चर्स वीडियो लेक्चर्स संदर्भ ग्रंथ सूची वेब एड्रेस फीडबैक्स वगैरह हमें प्राप्त हुआ जानने को मिला। उसके बाद में जो सत्र था वो राजेंद्र चौटलिया महोदय का जो मेरे गुरुवर्य है
उसने हमें उसका जो सब्जेक्ट था वो पुराण के विषय में संस्कृत वो कोर्स और सब्जेक्ट एक्सपर्ट के तौर पे था, जो बहुत ही अच्छी तरह से उसने समझाया, जिसके माध्यम से हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि मोह को पुराण विषय में कैसे बनाया जा सकता है। उसने जो 15 बिंदु दिए, मोह का इंट्रोडक्शन होना चाहिए ये हमने ज्ञान प्राप्त किया। 2 क्रेडिट के होते हैं, इसमें 24 मॉड्यूल लगते हैं, प्रथम सेमेस्टर के लिए बनता है, और पुराण के अभ्यास क्रम में वर्कशॉप बनाने चाहिए, उसके साथ में अनुभवी शिक्षक अध्यापक गण भी रहने चाहिए, और वो के रूप में हम शोध छात्रा या स्वयं अध्यापक भी रह सकते हैं। बुक्स डेवलपिंग करना, रेफरेंस की यादी बनाना, और ये कार्यशाला है वो ITS और NEP के माध्यम से हम ये कार्यशाला कर सकते हैं। फिर बाद में अप्लाई एनालिसिस और एनिमेशन इवोल्यूशन क्रिएटिविटी ये सब पॉइंट्स उसने हमें सिखाए, जो हमें मुख के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये पहले दिन का भुगतान था। दूसरे दिन पूरा सत्र रक्षक जैन महोदय का था, जो कि प्रोड्यूसर IIT कैंपस के इंचार्ज डायरेक्टर है, रोहतक से यहाँ पे आए हुए हैं। 3 दिन तक हमने उसका ज्ञान प्राप्त किया, जो हमारे लिए बहुत ही एनिमेशन जिसका साक्षात उदाहरण हमने अभी 2 क्लिक के माध्यम से देखा, ये हमने अनुभव भी किया, सीखा भी, और गत रात्रि को हमने 1 से 1.5 बजे में ये कंप्लीट किया, ये हमने ज्ञान प्राप्त किया। ये पूरा का पूरा दिन का भुगतान ये 2 क्लिक में आ गया। फिर आज ये तीसरे दिन में जो उपस्थित है बीच में यहाँ पे उपस्थित डॉक्टर पंकज रावल महोदय, ये रक्षक जी ने हमें यूनिवर्स में बिठा दिया, महोदय ने हमें कथा मंडप में बिठा दिया, दोनों का संयोग हमने प्राप्त किया, क्योंकि पुराण के विषय में लेके हम यूनिवर्स तक कहाँ जा सकते हैं। और बीच में आज का जो उद्घाटन सत्र के पहले का सत्र था वो हमारे नूतन कुलपति श्री प्रोफेसर सुकांत कुमार सेनापति जी का भी हमने स्वागत समारोह कर दिया। उसने भी आज हमें जो 3 बातें सूत्र के रूप में बताई, अहर्निशम सेवामहि, क्रिया केवलम उत्तरम, संस्था सर्वोपरि, इस सूत्र को लेके हमने उसका प्रथम वक्तव्य का ज्ञान प्राप्त किया। बाद में भोजन के अनंतरण का ये समापन सत्र फिर से पंकज रावल महोदय ने हमें जो कल की अधूरी बात की पुराण के विषय में, उसको फिर से हमें नए तरीके से पुराण के विषय में कैसे मुख्य डेवलपिंग कर सकते, किन शास्त्र आधार पुराण का आधार लेके और किन किन विषय में मुख्य हो सकता है, शैव परंपरा वैष्णव परंपरा दोनों का हमें संयोग जानना मिला। हम सब अभिभूत हैं, हम इसके साक्षी हैं। अंततः ये समारोह सत्र में उपस्थित ये कार्यशाला के अंतर्गत ये श्लोक के माध्यम से ये पूर्णता तरफ में जाऊंगी। पुराणस्ति वाक्कंतु नव्यावृत्ति ही, पुराण कथा सा पुराण नवनीतम कवित्वम, पुराणश्च वेदो नवीनम तु तत्वितम, सहसेतुः पुराणं नवीनं बबन्धः। अस्तु जयतु सोमनाथ। धन्यवादः भगिनी। इदानीम् अवसरोऽस्ति प्रासङ्गिकम् उद्बोधनस्य। सर्वादौ अहं प्रार्थये डाक्टर् रक्षकजैन् महोदयात् प्रारभ्य प्रसङ्गोचितम् उद्बोधनम्। अहं रक्षकजैन् जी को प्रार्थना करते हैं कि आप आए और आदरणीय श्री रक्षकजैन् जी। मैं अधिक समय नहीं लूँगा, क्योंकि आप कहेंगे कि 2 दिन तक तो इतना समय दिया, अभी भी पेट नहीं भरा। तो सर बहुत बहुत सम्मान आप सभी को, बहुत आभार कि आपने बुलाया, और बड़ा सौभाग्य की बात ये रही इस वर्कशॉप के लिए कि 2-2 कुलपति महोदय का इसको सानिध्य कहा, संयोग कहा, और मुझे लगता है कि इसीलिए सब बहुत एक्साइटेड है। 1 बजे रात तक काम किया, कल इन्होंने सीखा कि कैसे कर सकते हैं, उसके बाद रात में बैठ कर उसकी इम्प्लीमेंट की, और आज फिर दिखाया थोड़ा बेसिक लेवल का है। मुख्य उद्देश्य ये था कि आपने एक स्पार्क पैदा हो, और जैसे कि सर ने बताया कि नैक में हमारी A+ ग्रेडिंग आई, तो उसमें डिजिटल इनिशिएटिव क्या था हमारे विश्वविद्यालय का, वो उसके पॉइंट्स उसमें नहीं जुड़ पाए, और कई लोगों का प्रोफेसर बनना ड्यू होगा, तो
उनका अगर कोई स्कोर कम हो रहा है तो अगर आप मूक में योगदान देते हैं बनाने में तो नैक भी बढ़ेगी और आपका यूपीआई स्कोर भी बढ़ेगा और आपकी संस्था को फंडिंग भी होगी और आपका एक्सपोजर आप 2020 के जो मैंडेट्स हैं हम उसको पूरा कर पाए। तो तकनीक है, तकनीक को हमें वाइजली यूज करना है, हमें उसको सेवक बना के रखना है, हमें उसका सेवक नहीं बनना। एक दूसरे को हम कॉम्प्लीमेंट करें, सप्लीमेंट करें, ये ना हो कि हम रिप्लेस करने जा रहे हैं। ज्ञान को और नए आयाम कैसे दे सकते हैं तकनीक के माध्यम से, ये उद्देश्य है। और मैं अधिक समय नहीं लूँगा, मैंने बहुत ज़्यादा इसको देखा है मूक का यहाँ पर, और मैं कई जगह कई वर्कशॉप में मूक की गया हूँ, HRDC में इंडक्शन प्रोग्राम में जाता हूँ, तो जो अनुभव मुझे यहाँ हुआ है वो कहीं नहीं हुआ। अच्छा ये नहीं है वो है उसमें ये नहीं है कि मैं यही इसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं है, ये सत्य है। और मुझे अब यहाँ आके एहसास हुआ कि मुझे देवों की कृपा क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे देवों की भाषा नहीं आती है, तो बहुत अनएजुकेटेड फील किया अपने आप को। अभी भी कह रहा कि किसी ने दया दृष्टि दिखाई तो हिंदी में बोल देते हैं, तो मैं प्रयास करूंगा कि संस्कृत सीखूं और मेरे जैसे बहुत लोग जो हैं जो सीखें, उसके लिए आप लोग मूक बना के तकनीक के माध्यम से स्वयं प्लेटफॉर्म पर उसको रखिए, जिससे कि हमारे जैसे लोग देवों की कृपा प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षक महोदय ही वे रक्षिता प्रासंगिक उद्बोधनाय इदानीं समागच्छन्ति अस्माकं कुलसचिववर्या डाक्टर् कृष्ण जाधव महोदय प्रासंगिकम् उद्बोधनं कर्तुम् आदरणीयः कुलसचिववर्यः। जय सोमनाथ। आज के दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के समापन समारोह में उपस्थित माननीय कुलपति श्री प्रोफेसर सुकांत कुमार सेनापति सर, अनुष्ठान विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर कुमार पटेल सर, मेरे पूर्व वक्ता और तीन दिन से आपके साथ जुड़े हुए जिसने आपने कुछ पाया ऐसे डॉक्टर धैन सर, यूनिवर्सिटी कॉलेज के प्रिंसिपल श्री पंड्या साहब, फिर की कार्यशाला के संयोजिता डॉक्टर माधव मैडम, और जो कार्यशाला में जिसने भाग लिया है जैसे यूनिवर्सिटी के अध्यापक, महाविद्यालय के अध्यापक, रिसर्च छात्र और यूनिवर्सिटी के छात्र। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्या आज जो चंद्रयान थ्री है वो लैंडिंग हो रहा वहाँ देखना मन वहाँ है और मैं यहाँ वैसा है स्थिति, लेकिन इतना बड़ा अच्छा कार्यक्रम तीन दिन से यूनिवर्सिटी में कार्यशाला चल रही है उनका विशेष आनंद मैं व्यक्त करता हूँ। सर ने बताया हम सब जानते हैं एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हैं कि नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी अब तक तो चला लेकिन अभी चलने वाला नहीं, यूनिवर्सिटी की जो पहचान बनानी है तो हमको एक चीज पर जाना पड़ता है। इस यूनिवर्सिटी यहाँ है लेकिन हमारे छात्र विदेश में भी तो ही हो सकता है कि हम ऐसे मुक जैसे कार्यक्रम दें। मुक का मतलब है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, जिससे ये सिर्फ अभी तो पुराण का हुआ है लेकिन हमारे वहाँ जितने भी शास्त्र चल रहा सारे शास्त्रों के अध्यापिका अध्यापक को हमने यहाँ बिठाया है। उसके पीछे एक ही कारण है कि सारे के सारे सब्जेक्ट में मुख का कुछ ना कुछ हो जिससे हमारी यूनिवर्सिटी की पहचान बने। हमारे अध्यापिका और संयोजक संयोजिका एक बार रात को 8:30 बजे मिले थे, मैं यहाँ घूमने के लिए निकलता था तो पता है BBM बैठे थे और उनको रिपोर्टिंग जो हमारा अच्छा एक ग्रुप है व्हाट्सएप पे उसमें पता चल जाता है कि रात को 12 बजे कौन काम कर रहा है, 1:30 बजे कौन काम कर रहा है, तो 1:30 बजे तक इसमें इतना इंटरेस्ट लिया है। और मैं सर आपका आभारी हूँ कि आप हमारे लिए छात्र
सीखने के लिए है, अध्यापिका सीख रहे, लेकिन आप सिखाने के लिए उत्सुकता दिखाई दे। सर ये तो वही को जाता है बधाई की ये सीखने को तैयार नहीं, आपका बढ़पन है उसमें, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि कभी कभी जितने भी एक्सपर्ट आए होंगे, हमने जितने भी एक्सपर्ट को इन्वाइट किया, उसमें पास कुछ ना कुछ तो हमने सीखा होगा। ये पूरी कार्यशाला ज्ञान संवर्धन के लिए है, वर्धन के लिए है। जो कल थे उससे आज हमने कुछ पाया है तो ही उनकी सफलता होती है, जो कुछ नहीं पाते हैं तो सफल नहीं होते। अभी जो ये दोनों वीडियो दिखाया था, जहाँ भी शुरुआत का स्टेज है, आज है इससे कम कल आगे बढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत तो हुई है, ये आनंद की बात है। AI तो ठीक है, AI मानव नहीं बन सकता, AI है, हम मानव हैं, और मानव AI को बनाता है, AI मानव को नहीं बनाता, AI बनाने वाला तो मानव है, तो हम उससे विश्वास करें, हमारे लिए शक्ति है जो उस पर विश्वास करे, इस शक्ति को हम बाहर लाएं, जहाँ भी सीखे जो भी सीखे उनका इम्प्लीमेंट करें। हम आज ये सीख लिया इसे संतोष न माने, इसे संतोष मानेंगे तो आगे काम नहीं पड़ेगा। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है हमारे समाजी का मैडम को और आप सबको, जहाँ भी महाविद्यालय के वहाँ काम कर रहे हो, यूनिवर्सिटी में कर रहे हो, शोध छात्र हो, छात्र के रूप में, ये नहीं है कि अध्यापिका ही कर सकते हैं, प्रोफेसर ही कर सकते हैं, शोध छात्र भी कर सकते हैं, छात्र भी कर सकते हैं। तो इसमें हमारे सारे शास्त्र में मुक्त का आगे काम हो, यही हम शुभकामनाएं देते हैं। फिर से वो भी हम खूब खूब शुभेच्छा देते हैं, अच्छा कार्य हुआ है और आगे भी यूनिवर्सिटी ऐसे कार्य करते रहे। मैं धन्यवाद करता हूँ सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का, जिसने ग्रांट दी है, ये जो हम उनको ग्रांट मिली है इसीलिए कार्य कर पाते हैं, जब का ग्रांट नहीं मिलती तो ये हम नहीं कर सकते। तो हम भी सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के माननीय कुलपति श्री और वहीं के प्रशासन का भी धन्यवाद व्यक्त करते हैं, और आगे आने वाले दिनों में यही कार्यक्रम चलता रहेगा, रक्षक देव साहब को हम बुलाते रहेंगे, आगे भी ज्ञान बढ़ता रहेगा और निश्चित रूप से जो हम जिस दिशा में काम करना चाहते उसमें अच्छा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। पुनः मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, शुभेच्छा, धन्यवाद। धन्यवाद सचिव हरियाणा। इदानीं प्रथमवारं येषां श्रवणं वयं विदास्यामः तादृशाः पूज्याः अस्माकं कुलपतिवर्याः निवेद्यन्ते। प्रोफेसर सुकान्त कुमार सेनापति महोदयाः अध्यक्षीय उद्बोधनं कर्तुं ते प्रार्थ्यन्ते मान्याः कुलपतयः। वन्दे सरस्वती। परम आदरणीय अस्य विश्वविद्यालयस्य प्रसिद्धः विद्वान् तत्र कुलपतिजनाः, अत्र अनुस्नातकविभागस्य विभागाध्यक्षाः आचार्याः ललित भाई पटेल महोदयाः, विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवाः आचार्याः डाक्टर् दशरथभाई यादव जी, और इस मुख्य कार्यशाला जो भारतीय ज्ञान परंपरा के आधारित इसको सफल बनाने में हमारे सभी मित्रों को सहयोग करने में, सुदूर प्रांत से रुचि संस्था से प्रतिष्ठित तकनीक संस्था है रुचि IIT, आदरणीय डॉक्टर अध्यक्ष जैन जी, और स्नातक विभाग के अध्यक्ष आचार्य परम मित्र नरेंद्र पाटिया जी, और इस सभागार में समुपस्थित सभी ज्ञान जिज्ञासक ज्ञान पिपासक सभी मित्रगण, हमारा जो ज्ञान परंपरा है, भारतीय ज्ञान परंपरा है, ये हमारी भारतीय ऋषियों का देन है, जिससे वो समृद्ध और प्रतिष्ठित रूप में हमारा राष्ट्र में है, उसके बाद विश्व में भी उसकी प्रसिद्धि है। इसके कारण भारत विश्वगुरु का स्थान, भारत को विश्वगुरु का स्थान प्राप्त हुआ था। इन्हीं कारण बच्चों ये फिर हमारे से दूर चली गई, जिसके लिए अभी हम लोग भारत को विश्वगुरु के स्थान पर पुनः प्रत्यावर्तन लाने के लिए, वापस लाने के लिए पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं। इन प्रयत्नों में से बुक्स भी एक
ज्ञान धारा का वैश्विक रूप को प्रदर्शित करने में एक संसाधन है, एक साधन है जिसकी हर शिक्षा संस्थान में जरूरत है। तो जो एक कार्य एक मानव के द्वारा एक मनुष्य के द्वारा 5 दिन में किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी के द्वारा 10 आदमी का काम 1 दिन में 1 घंटे में किया जा सकता है। और आजकल जो टेक्नोलॉजी की जो प्रचार प्रसार है उसको अगर हम समय के अनुसार उसके साथ अपने ताल दे के नहीं चलेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। संस्कृत की स्थिति आज मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, यहाँ पुराण विभाग के द्वारा जो मुख्य कार्यशाला के द्वारा ई कंटेंट का थोड़ी सी झलक मुझे देखने को मिला है। एनईटी भी यही चाहती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी पर ही बल देती है, जो टेक्नोलॉजी के साथ संस्कृत भाषा को भारतीय भाषा को जोड़ना है। इन दोनों का सम्मिलित रूप से ज्ञान का प्रचार प्रसार बहुत विश्वव्यापी उसकी प्रशस्ति हो सकती है। ये भारतीय नई शिक्षा नीति की जो उद्देश्य होती है और बहु विषय का अंतर संबंध विषय का अनुसंधान गुणात्मक अनुसंधान पर भी जोर दिया है राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति में, जिसके माध्यम से तभी हम कर पाएंगे अगर टेक्नोलॉजी का सहायता नहीं लेंगे। इसलिए हम सभी संस्कृत मित्रों का ये पहला कर्तव्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक तकनीक जो विद्वान है उन लोगों के साथ परिसंवाद करें, ऐसी कार्यशाला के द्वारा संबंध बनाएं और अपना भावना को विचारों का विनिमय करें और उनसे जो सीखना अभी 3-4 जो अनुभव यहाँ में सुनने को मुझे मिला, भाई रक्षित जैन जी का जो प्रेरणा है वो रिफ्लेक्ट हुआ उसका। क्योंकि टेक्नोलॉजी लोग जानते हैं, भाषा हम जानते हैं, टेक्नोलॉजी के विज्ञान वैज्ञानिक वो है, भाषा के वैज्ञानिक हम हैं। तो ये जो 3 दिन में इतना अगर हो सकता है जो ऐसे कार्यक्रम हम साप्ताहिक या 15-10 दिवस आत्मक न करें, इसलिए इसके लिए भी हम फिर सोचेंगे। और आप लोग जो युवा विद्वान हैं तो दोनों में धुरंधर है, शास्त्र में भी और तकनीक में भी। मेरे सामने मैं लगभग 2-3 को जानता हूँ, जानकी जी को, जानकी शरण और विदुषी बोला जो व्याकरण में है, या उमा जी है जो जिनको मैं जानता हूँ पहले यहाँ आने से पहले, ये दोनों धारा में प्रवीण है। तो ऐसे लोग आगे आए और अच्छा प्रोजेक्ट बना के दें, हम IPSC के थ्रू से ले सकते हैं। हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जो मेरी मातृसंस्था है जहाँ से मैं आया हूँ, वहाँ से भी संस्कृत के लिए बहुत सारा अनुदान पूरे भारत में हम लोग देते रहे हैं। और अभी आप लोग भी ये मिला है छोटा सा, लेकिन हम चाहेंगे बड़ा सा सागर से महाराजा के पास जब प्रार्थना कर जाएंगे कुछ बड़ा मान होना चाहिए। तो ऐसे ही समुद्र रूपी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से हम लोग को क्या करना है, थोड़ा अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट लेना है और IPS से भी ले सकते हैं, UGC से भी ले सकते हैं, जो स्वयं और मुक्त इन दोनों का प्रचार प्रसार जितना हम लोग कर पाएंगे तभी हमारी भाषा की प्रचार प्रसार हो पाएंगे। यही मेरा कथन है और मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग इस बातों से सहमत होंगे और इसके अनुकूल और अनुरूप अपने कर्तव्य पर आप चलेंगे, इस पर प्रवृत्ति जरूर आप लोगों की और बढ़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। 3 दिन में तकनीक संसाधन के आधार पर आप लोग कुछ सीख पाए, जो गुरु के रूप में रखित जैन जी आपके साथ रहे और मित्र के रूप में सिखाए तभी आप सीख पाए। इसलिए मैं पुनः हमारे विश्वविद्यालय की ओर से आदरणीय डॉक्टर रखित जैन जी को साधुवाद देता हूँ। पुनः हम लोग को भी सिखाइए, न केवल हमारे अध्यापक अधिकारियों को भी सिखा सकते हैं। और हम चाहेंगे कुछ वैज्ञानिक रखित जैन जैसे और कुछ संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान उन लोगों को लेकर परिसंवाद कराएंगे। उदाहरणार्थ धर्मशास्त्र है, मीमांसा दर्शन है और आधुनिक में
मॉडर्न लॉ है। वस्तुतः मॉडर्न लैब है, वस्तु जो जननी कौन है उस पर अगर विचार करेंगे तो हमारे मीमांसा दर्शन और धर्मशास्त्री है। तो ऐसे क्यों नहीं हम ऐसे कार्यक्रम न सोचे, धर्मशास्त्र आधुनिक विधि शास्त्र अंतर संबंध के बारे में परिसंवाद क्यों आयोजन न करें, वैसे ही अलग अलग विषय को लेकर आप लोग प्लान करें कि योजना बनाए और मैं आप लोग के साथ हूँ और मार्गदर्शन भी करने के लिए प्रस्तुत हूँ। धन्यवाद। कुलपति हरियाणा धन्यवाद। अब मैं आदरणीय श्री किरण भाई डामोर जी से निवेदन करता हूँ कि वो प्रतीक के रूप में 5 लोगों को प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए महानुभावों को प्रमाण पत्र अर्पित करें और धन्यवाद ज्ञापन करें। श्री किरण भाई डामोर जागृति भगिनी पांड्यानंदन जोशी किशन चिराग मेहता पुरोहित पांड्यानंदन जोशी किशन डॉक्टर चिराग मेहता नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास ततो जय गुरुदेवे। श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय वेरावलम तथाश्च केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय संचालय मानव संस्कृत संवर्धन योजना अंतर्गत वित्त सहायेन समायोजितः त्रिदिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला वर्तते। तस्या कार्यशालायाः अद्य समापन सत्रं विद्यते। समापन सत्रे समुपस्थितानां महानुभावानां कृते धन्यवाद ज्ञापनम् अहम् अत्र समुपस्थितः अस्मिन् सर्वप्रथमं सर्वेभ्यः मम प्रणामः। तथाच अस्माकं समापन सत्रे समुपस्थितः वेदांत शास्त्र निपुणः अस्य विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः प्रोफेसर सुकांत कुमार सेनापतिवर्यः अध्यक्षत्वेन समुपस्थिताः सन्ति, तदर्थं धन्यवादः महोदयेभ्यः। तदनु अस्माकं कुलसचिववर्यः डॉक्टर दशरथ यादव महोदयानां अनुस्नातक विभागाध्यक्षः प्रोफेसर ललित कुमार पटेल महोदयानां आचार्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार पंड्या महोदयानां डॉक्टर रक्षक कुमार जैन महोदयानां अतिथिनां डॉक्टर भवेता महोदयानां संयोजिकानां डॉक्टर आशा महोदयानां संचालकानां डॉक्टर पंकज कुमार रावल महोदयानां एवं च उपस्थितानां प्रतिभागिनां सर्वेपि प्राध्यापकः छात्रबान्धवाश्च सर्वेपि धन्यवादं समर्पयामि। ये हि परोक्षरूपेण अपरोक्षरूपेण समुपस्थिताः सर्वे कृत्वा तेभ्यः अपि धन्यवादः। अन्ते पुनः एकवारं सर्वेषां धन्यवादं मत्वा विरमामि नमामिश्च। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्। धन्यवादं कर्तुं समागतानां किरण डामोर महोदयानां कृते धन्यवादः। इदानीं पूर्णतः मन्त्रेण अस्माभिः कार्यक्रमस्य परिसमाप्ति क्रियते। अध्यक्षवर्याणां कृते ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
एक बार प्रवेशन करने वाले हैं।